हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पावर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की। बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। IBPS ने अपना कैलेंडर 2019 का रिलीज़ कर दिया है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो 2018 में कह रहे थे कि जो बैंक की वैकेंसी बंद होने वाली हैं, IBPS का जो कॉन्टैक्ट है बैंक से, बैंक के साथ, वो कैंसिल हो जाएगा, अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, अब अगर हम 2019 की बात करें वो क्या कहेंगे, SBI क्लर्क नहीं आएगा, SBI PO की वैकेंसी नहीं आएंगे। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो हमेशा ये क्रिएट करते हैं और लोग इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं कि उनको निराशा होती है कि वैकेंसी नहीं आने वाली। लेकिन मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी SBI क्लर्क PO के लिए, उसमें भी बताया था कि वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली, सिर्फ चीज़ होती है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। दोस्तों, हो सकता है आपको न्यूज़ मिल गई हो कि कैलेंडर रिलीज होने वाला है, लेकिन रिलीज हो गया, लेकिन ये वीडियो स्पेशल है उन सभी के लिए जो जॉब चाहते हैं 2019 में। एक स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं 2019 के लिए जो शॉर्ट सिलेक्शन कर देगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे आपको उस पर देने हैं, अगर आपने उसको कर लिया तो आपकी पक्का सिलेक्शन होगा 2019 में। दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइटल है पढ़ना शुरू कर दो। अभी टाइम है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, सिर्फ कैलेंडर रिलीज हुआ है, तो अभी सफिशियंट टाइम है। अगर आप थोड़ा कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी सफिशियंट टाइम है। और जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उससे पहले आपको करना क्या है देख लेते हैं। अगर हम क्वांट की बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, आपको अपनी कैलकुलेशन इंक्रीज करनी है, चाहे आप स्क्वायर टेबल या मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक्स होती हैं वो सीखें, या फिर एक टेबल बना लें जिसमें कुछ नंबर्स लिख लें, उनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें। इस तरीके से आप अगर डेली 5 से 6 मिनट भी करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि 2018 में ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर मैथ को क्लियर करना है तो आपको अर्थमेटिक पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक को आपको अगर नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले अर्थमेटिक के सारे अगर टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं, बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, तो आप कंपटीशन को काफ़ी पीछे छोड़ सकते हैं और आपकी जो सिलेक्शन होगा उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैथ में जितने भी मार्क्स आएंगे वो अर्थमेटिक पे। अगर हम 2018 की भी बात करें, अर्थमेटिक डोमिनेट कर रहा था क्वांट के सेक्शन को, तो सिर्फ मैथ में अगर आप नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले इतना भी कर लेते हैं तो सफिशियंट होगा एग्जाम के लिए, सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश में करना क्या है, सिर्फ रीडिंग, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग से होता क्या है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, और ये एक पिलर है आपकी सिलेक्शन में कि अगर आप सेंटेंस को समझने लग जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझने लग जाते हैं, तो आप एरर्स फिलर्स ईजिली कर सकते हैं और RC इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग को डोमिनेट करेगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, मिसलिनियस टॉपिक पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फोकस करते हैं, लेकिन आप एक ध्यान दें, मिसलिनियस हर कैंडिडेट करता है, तो फिर आपको जॉब क्यों मिलनी चाहिए या फिर आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। तो अगर आप कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का वीक पॉइंट होता है। अगर आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अगर आप पजल सॉल्व कर लेते हैं विद सफिशियंट टाइम में, तो आप खुद सोचिए कि आप कितना कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप डेली 2 भी पजल लगाते हैं, दो पजल सिर्फ आप लगाते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी पजल आपको, देखिए पजल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ दिमाग में होता है ये चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट होगी। अगर आप 2 पजल डेली लगाते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और आप आसानी से कोई भी पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बस इतना कीजिए नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा उससे पहले, उसके बाद आप अपनी एक तैयारी कर सकते हैं, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग के मिसलिनियस टॉपिक और प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले आप अगर इतना भी करते हैं, 2 से 3 घंटे लगेंगे, अगर आप डेली इतना भी देते हैं तो आप सिलेक्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं GA की। दोस्तों, GA में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि 15 डेज मिलते हैं मेंस के लिए, मेंस के लिए सबसे कम टाइम मिलता है। अगर आप डेली मुश्किल से 10 अगर न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली, अगर आप डेली उन 10 न्यूज़ को इंपॉर्टेंट को अगर लिख लेते हैं या फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं,
या फिर डेली वाइज करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं, आप देखेंगे कि लास्ट स्टेज में आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर कि आपको जीए को तैयार करना है, या फिर एक बोझ बन जाता है कि या 15 डेज में जीए कैसे करें। फिर आप नेट पर क्या सर्च करते हैं, हाउ टू गेट 40 आउट ऑफ 40, हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50, ऐसा नहीं होता। ये तैयारी अगर आप अभी से करते हैं, 6 से 7 मंथ का टाइम है अभी आपके पास, डेली करते हैं, आप देखेंगे लास्ट में कुछ पढ़ने को बचेगा ही नहीं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है 1 महीने पहले। अब बात करते हैं डेट्स की। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अब आप एक चीज़ ध्यान में देना कि प्री के जो एग्जाम है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास अगर हम जनवरी के मंथ को भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मेंस का एग्जाम होना है अभी आईबीपीएस क्लर्क का, तो अभी भी 5 से 6 महीने हैं जिसके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार डेट्स को देख लेते हैं, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 11 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को किसका एग्जाम होगा, आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट का, इन डेट्स में एग्जाम होगा। और मेंस की बात करें तो ऑफिसर का होगा 22 सितंबर को, और मेंस की बात करें ऑफिस असिस्टेंट का होगा 29 सितंबर को। अगर पीओ, आईपीएस पीओ और क्लर्क की बात करें तो प्री एग्जाम होगा 12 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर को प्री का एग्जाम होगा आईपीएस पीओ का, और मेंस का एग्जाम होगा 30 नवंबर को। अगर क्लर्क की बात करें तो 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक डेट्स हैं किसकी, आईपीएस क्लर्क की प्री, एंड 19 जनवरी 2020 को किसका एग्जाम होगा, आईपीएस क्लर्क मेंस का। तो दोस्तों स्ट्रेटजी आपको क्लियर है, मैंने इतना कोई टॉपिक नहीं बताया जो आप नहीं कर सकते। अगर इतना भी आप करते हैं तो आप अपने आप में एक फ़र्क देखेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही आएगा कि आप इतना कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें, सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करती है, फैक्टर्स होते हैं ये जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप खुद में एक चेंज देखेंगे और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा रेशियो में इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक को कंट्रोल कर लेते हैं, अर्थमेटिक पर पूरा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, आप खुद सोचिए 35 क्वेश्चन से प्री में, 35 में से 10 क्वेश्चन तो वैसे ही आने हैं अर्थमेटिक के, और हो सकता है डीआई जो है वो भी अर्थमेटिक बेस्ड आने लग जाए, तो कितना। और मेंस तो सारा, अगर आपने आईपीएस पीओ मेंस देखा होगा, अर्थमेटिक बेस्ड था सारा। अगर पेपर की बात करें तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 या 225, तो ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरी है किसी भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।